हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, जो आज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखो अच्छे से, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप इसको यूज़ कर पाओगे अपने डेली कन्वर्सेशन में तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जमने वाला है। ओके गाइज, तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा सेंटेंस को, जिस तरीके से कि लाखों में से एकमात्र आप सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार, लाखों में से एकमात्र वह सबसे होशियार व्यक्ति है, या फिर लाखों में से एक बात मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर जरूरत है तो, फिर द ओनली, फिर सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जैसे मोस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा आउट ऑफ मिलियंस, लाखों में से, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जैसे कि बेस्ट हो गया, या इस तरीके की जो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं ना वो यूज करने हैं हमने, ठीक है गैस। तो गैस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए गैस देखते हैं इस तरीके के स्पेशल स्ट्रक्चर को। तो लाखों में से एकमात्र आप सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर, अगर आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जमने वाला। तो यू आर द ओनली बेस्ट कैंडिडेट, सुपरलेटिव हो गया बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ मिलियंस, लाखों में से, ठीक है। यू आर द ओनली बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ मिलियंस। प्लीज आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ओनली द ओनली बेस्ट कैंडिडेट, ठीक है, इस तरीके से यूज करना है हमने। आइए एक और वाक्य देखते हैं। तो लाखों में से एकमात्र वह सबसे होशियार व्यक्ति है, स्पेशल वाक्य कई बार बोलने की जरूरत पड़ती है ना। तो ही इज द ओनली स्मार्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गया, ही इज द ओनली स्मार्टेस्ट पर्सन, नाउन आ गया, फिर आउट ऑफ मिलियंस, लाखों में से, ठीक है। तो ही इज द ओनली स्मार्टेस्ट पर्सन आउट ऑफ मिलियंस। तो गाइज, अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है englishlearning.in, उस पर आप जाइए, आपको टेंथ और ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। ओके गाइज, आइए एक और बात देखते हैं। लाखों में से एकमात्र मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था, मेरे को लॉटरी मिल गई है, मेरा ऐसा इतना बड़ा काम हो गया, तो लाखों में से एकमात्र मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति था, तो उसी स्ट्रक्चर यूज करेंगे। आई वाज ओनली लकीएस्ट पर्सन, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री लकीएस्ट पर्सन आउट ऑफ मिलियंस, लाखों में से, ठीक है। आई वाज ओनली लकीएस्ट पर्सन आउट ऑफ मिलियंस। तो गाइस, रियल लाइफ में भाग ज्यादा काम नहीं करता, तो इसलिए आप फाइनेंस रिलेटेड हिंदी में जानकारी प्राप्त करें financialgyan.com से। ओके गाइस, आइए एक और वाक्य देखते हैं, आखिरी वाक्य, होपली इससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाखों में से एकमात्र आप सबसे साहसी व्यक्ति हैं, है ना, जो आप इस काम के लिए आगे आए। तो यू आर द ओनली मोस्ट करेजियस, हमने इसको करेजियस को सुपरलेटिव बना दिया, द ओनली मोस्ट करेजियस पर्सन आउट ऑफ मिलियंस। तो गाइस, होपली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, थोड़ा सा कठिन कंसेप्ट है, आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इस वाक्य अंग्रेजी बना के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखें, लाखों में से एक मत वह सबसे सुंदर लड़की है। तो गाइस, होपली आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।